पृथ्वी चौरसिया कंस्टिट्यूशन क्लब में शहीद उद्धम सिंह को लेकर 78वां शहीद दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी भी उपस्थित थे। आइए आपको दिखाते हैं सभी लोगों ने अपनी बात कैसे रखी। आजादी के पहले इस देश में आज देश के लिए मरना ये देशभक्ति का प्रतीक था। आजादी के बाद देश के लिए जीना ये देशभक्ति का प्रतीक है। मोदी जी कहते हैं देश केवल चलाना नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है। देश आगे कब बढ़ेगा? केवल देश की धन संपदा बढ़ेगी, देश की बहुत तरक्की हो जाएगी, इससे केवल देश आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़ता है देशभक्तों के योगदान से। तो वो योगदान तब होता है जब आइडियल आदर्श सामने प्रस्थापित होता है। उधम सिंह जी ने अपने जीवन की आहुति देकर इस प्रकार का आदर्श प्रस्थापित किया। प्रणाम करती हूँ। जो लोग कहते थे आजादी किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, किसी एक पार्टी को मिली है, शायद वो आजादी का इतिहास ही भूल रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। उन्हीं में से एक वीर माँ भारती के पुत्र उधम सिंह जी भी थे। मैं इनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, आपको ओवरव्यू तो मिल ही चुका है। उधम सिंह जी का जन्म हुआ था संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 26 दिसंबर 1899 को। जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था 1901 में। उनके पिताजी रेलवे क्रॉसिंग लाइन पे वॉचमैन थे, तो आप समझ सकते हो कितनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते होंगे। उनके पिताजी का भी साइलेंसर छूट गया था 1905 में। उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह और उधम सिंह जी, जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी पर्सनालिटी की तरह ही उनका नाम था शेर सिंह। वो दोनों सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज पुतलीगढ़ जो अमृतसर में उस अनाथालय में रहते हैं, वो उनको वहां पे प्रॉपरली सिख की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहीं पे शेर सिंह का नाम उधम सिंह जी और मुक्ता सिंह का नाम साधु सिंह पड़ता है। उधम सिंह जी को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बहुत रुचि होती है और जो अनाथालय का जो माहौल होता है वो बिल्कुल फैमिली की तरह होता है। पर उधम सिंह जी की लाइफ में एक स्टॉप आता है जब 1917 में उनके भाई मुक्ता सिंह जी का देहांत हो जाता है। वो अपने आप को बहुत अकेला असहाय महसूस करते हैं। 1918 में उनका मैट्रिक्स एग्जाम वो क्लियर करते हैं और 1919 में वो अनाथालय छोड़ देते हैं। ये उनके जीवन का परिचय जहाँ पे वो बचपन में और अनाथालय में रहे, कैसे एक आम लड़का, एक आम व्यक्ति, एक महान क्रांतिकारी बनता, वो मैं आपको बताती हूँ। 1919 की बात है, रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध करने के लिए पूरे भारत में लोग उतरे थे और सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू उनका जो विरोध कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनको रोकने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कम से कम 20,000 के करीब लोग वहां पे आए और वहां पे वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो निहत्ते लोग थे, एकदम से एक जो बाग था उसमें सिर्फ एक ही गेट था जहां से लोग आ सकते थे और जहां से लोग जा सकते थे। वहीं पे आर्मी के साथ जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डेर उफ जनरल को डायर आते हैं और वहां पे वो बिना किसी वार्निंग दिए से बोलते हैं इनको भून डालो। वो निहत्ते लोग इधर उधर भागते हैं, हजारों में 1800 कुछ लोग वहां पे मरते हैं, 1200 कुछ लोग वहां पे जख्मी होते हैं। वहीं पे उधम सिंह जी भी लोगों को पानी दे रहे होते तो वो सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं इन सब चीजों को और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जनरल डायर का फिर दूसरा आदेश होता है कि कोई भी जो भी लोग हैं वो रेन के जाएंगे, कोई भी पैदल नहीं जाएगा, इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनको भी उसने बख्शा दें। उसके बाद उधम सिंह जी में इतना गुस्सा आता है कि वो जलियांवाला बाग में जाते हैं, वहां से वो वहां की मिट्टी उठाते हैं और तिलक लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा। उस कांड में दो लोग होते हैं, एक भगत सिंह जी भी होते हैं, वो जलियांवाला बाग में जाते हैं, बॉटल लेते हैं और अपनी माँ को दिखाते हैं, माँ ये देखिए ये मेरी शहीदों की मिट्टी है। ये दोनों उस टाइम में पूरे रिवॉल्यूशनरी में कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। उधम सिंह जी कुछ महीने बाद
यूएस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भगत सिंह जी के कहने पे वो वापस आ जाते हैं। अमेरिका में वो फोर्ड कंपनी में एज ए टूल मेकर काम करते हैं और जब वो यहाँ पे इंडिया वापस आते हैं तो वो अपना वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं गदर पार्टी से। वो उसको पूरा डिवोट करते हैं गदर पार्टी को। वहाँ से वो बहुत कुछ सीखते हैं और वहाँ से वो अवैध हथियार भी लाते हैं, अवैध हथियार, और वो अपने रिवॉल्वर वो विदाउट लाइसेंस थी उसको लेके चलते थे। एक दिन उनको पकड़ा जाता है, आर्म्स एक्ट 1927 के तहत उनको 4 साल की जेल होती है और जेल के अंदर भी उनके साथ बहुत ही गंदी तरीके से व्यवहार होता था, बहुत पीटा जाता था उनको। और जब वो बाहर आते थे तो लोकल पुलिस भी उनको बहुत हैरेस करती थी और जब वो बाहर आए 1931 में तो वो उनका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि भगत सिंह जी को उस टाइम में फांसी हो गई थी और वो भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। उसके बाद वो बहुत संघर्ष करते हैं इंडिया में रह के, वो कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से लंदन 1934 में वो पहुंचते हैं। वहाँ पे वो बहुत काम करते हैं, छोटी मोटी जॉब्स भी करते हैं, वहीं पे वो एज एन इंजीनियर भी काम करते हैं और वहाँ पे वो एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वो उनकी सिफारिश से होता है, वहाँ पे वो एक दोस्त बनाते हैं, एक लड़की उनकी दोस्त होती है, वो उससे दोस्ती इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जनरल डायर की बेटी होती है, उनसे वो उसका दोस्ती अच्छी होती है। और वो खैर उनका तो एक मकसद ही होता है कि वो उससे दोस्ती इसीलिए उनको करना था क्योंकि उनको जनरल डायर को मारना ही था। एक दिन उनके पास पूरा अच्छे से समय आता है जब उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है, अब जनरल डायर को मारना ही है। केकस्टोन हॉल में 13 मार्च 1940 को एक प्रोग्राम होता है जहां पे जनरल डायर को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है।